Hey beautiful people out there, how are you guys doing? Hope you are doing amazingly well. So again, welcome to the complete guide to English grammar. So we have already completed the concepts of, you can say, common noun, collective noun, material noun. So in this video we are going to deal with the abstract noun. So you can say this is the part 3 of our noun session. So after learning this, you will be able to do any type of question from the chapter of noun, right? तो ये जो पहले आपको पढ़ाया गया था कि टाइप्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन पढ़ाया गया था, कंसेप्ट वन ये सब पढ़ाया गया था, ठीक है, कंसेप्ट टू भी पढ़ाया गया था, ये सब आप एक बार नोट कर लेना जिससे कि ये आपका नोट्स में रहेगा और इसको बार बार आप रिवाइज भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या जाते हैं, पहली बात देखिए, कोई भी क्वालिटी होगा, एक मनुष्य का कोई भी क्वालिटी होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक होता है जो इनटेंजिबल होता है, इनटेंजिबल यानी कि उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको हम केवल फील ही कर सकते हैं। जैसे क्वालिटी, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, ये सबको हम फील कर सकते हैं, तो इसी क्वालिटी को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी के स्टेट को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल सकते हैं, फ्रीडम, स्लेवरी, यूथ, ओल्ड, पॉवर्टी। सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। डिजीज जैसे कि एड्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, डायबिटीज, कैंसर और जो भी हमारा डिजीज है उनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। गेम जैसे कि बिलियर्ड्स हो गया, जिम्नास्टिक, डोमिनोज, ठीक है, डार्ट्स, बॉल्स, क्रिकेट, ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एक्शन जैसे कि लफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट, हैट्रेड, इनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बोलेंगे। तो एक अच्छा सा उपाय है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानेंगे, कोई भी वर्ड में अगर हम HOOD, हुड, नेस, TION, SHIP, TY, ITY, TH, MENT या फिर ENCE, ये सब हमको मिल जाए तो आंख बंद करके उसको कहना कि आप वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, यानी कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब की यूज करते हैं क्योंकि इनको अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। देखिए, काउंटेबल नाउन एक होता है और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैथमेटिक्स हमारा क्या होगा, मैथमेटिक्स इज ए नाइस सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज ए नाइस सब्जेक्ट because it's an abstract noun and we have to use a singular verb with it. Honesty is the best policy. Mumps is a infectious disease. Poverty is a cure. Cricket is a funny game. So ye sab hua hamara abstract noun ke sath singular verb ka use. फिर चलते हैं, देखिए बहुत सारे words से हम कैसे abstract noun बनाते हैं। देखिए, child हो गया हमारा एक common noun, लेकिन चाइल्डहुड हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मदर, ये हो गया कॉमन नाउन, मदरहुड हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओल्ड जो कि एडजेक्टिव है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा ओल्डहुड। एडल्ट का हो जाएगा एडल्टहुड। फ्रेंड का फ्रेंडशिप हो जाएगा, स्टूडेंट का हो जाएगा स्टूडेंटशिप। फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन। ट्रू, ट्रूथ, तो ट्रूथ एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन ट्रू हमारा एडजेक्टिव है, इक्वल हो जाता है हमारा एडजेक्टिव, लेकिन इसको अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इक्वालिटी बोलेंगे। ये सब सिमिलर का हो जाएगा सिमिलरिटी, एबल का हो जाएगा एबिलिटी, डेड का होता है डेथ, हैप्पी का होता है हैप्पीनेस, पोलाइट का होता है पोलाइटनेस, काइंड का हो जाएगा काइंडनेस, एंजॉय का हो जाएगा एंजॉयमेंट, जज का हो जाएगा जजमेंट, ये सब आप लिख लेना। मूव का हो जाएगा मूवमेंट, ठीक है, इन्वेस्ट का क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एब्सेंट का एब्सेंस हो जाएगा, प्रेजेंट का प्रेजेंस हो जाएगा, एंटर का एंट्रांस हो जाएगा और इन्फॉर्म का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट वन की तरफ चलते हैं। पहली बात, कंसेप्ट वन में ये बताया जा रहा है कि इफ वी एड टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद द कंजक्शन एंड, अगर हम दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एंड कंजक्शन से ज्वाइन करेंगे, द नंबर इज प्लूरल, तो वो नंबर प्लूरल हो जाएगा एंड वी हैव टू यूज ए प्लूरल वर्ब, तो उस टाइम हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा।
जैसे कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स डेज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये देखिए, ये रहा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये रहा दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दो नंबर। तो ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इज बैठाएं, सॉरी आर बैठाएंगे, क्योंकि प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अगर एक होता तो फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, रनिंग एंड स्विमिंग इज एक्शन हो गया, हम बोले थे एक्शन जो होता है वो भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो रनिंग एंड स्विमिंग आर माई हॉबीज। सिमिलरली एड्स एंड कैंसर आर इनक्यूरेबल डिजीजेस, बिलियर्ड्स एंड बैडमिंटन आर माई फेवरेट गेम। ठीक है, लव एंड हेट्रेड आर नेचुरल इमोशंस, टू स्टडी एंड टू प्ले डेस इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ये सब हो गया हमारा कंसेप्ट वन। दोस्तों चलते हैं कंसेप्ट टू की तरफ। यू शुड नो द आइडेंटिटी ऑफ सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे कि सेल, सेल का मतलब कुछ चीज बिकना, उसको सेल बोलते हैं, लेकिन SALE वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। साइन होता है वर्ब, लेकिन सिग्नेचर होता है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अफेक्ट होता है वर्ब, और इफेक्ट होता है उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडवाइस का होता है एडवाइस, देखिए इधर SE लगा हुआ है, एडवाइस बोलते हैं उसको, और एडवाइस का मतलब जो फ्री में ज्ञान दे रहे हैं उसको एडवाइस बोलते हैं। प्रैक्टिस, और ये हो गया प्रैक्टिस। लाइसेंस हो गया, और ये हो गया लाइसेंस। प्रूफ हो गया, और प्रूफ हो जाएगा, बिलीव का बिलीफ हो जाएगा। तो ये सब वर्ब है, इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे बनते हैं। तो फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि जो भी अंडरलाइन वर्ड है उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालिए। या पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या वो नाउन है, क्या वो प्रोनाउन है, या फिर अलग कुछ है। देखिए हमारा जो पहला है, माई बिलोंगिंग्स आर ऑन सेल। देखिए हम हमेशा प्रीपोजिशन के बाद नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, ये रहा प्रीपोजिशन, और इसके बाद आ जाएगा नाउन जो कि सेल से। सेल सेल जो है ये एक नाउन है, और हमने पढ़ा भी था इधर कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दे सेल देयर गुड्स एट ए डिस्काउंट, यानी कि उन्होंने बेच दिया, यानी कि वो बेचते हैं। दे सेल देयर गुड एट ए डिस्काउंट, यानी कि ये जो सेल है ये वर्ब है, ये एक्शन दर्शा रहा है। आई विल सेल माई हाउस, मैं अपना घर बेच दूंगा। तो सेल यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। द सेल ऑफ गुड्स इज डिक्रीजिंग, यानी कि चीजों का दाम गिर रहा है। तो ये इधर सेल का मतलब होता है दाम, दर। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड इज डिक्रीजिंग, तो इधर नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लीज साइन दिस पेपर, तो साइन हो गया हमारा वर्ब। दे फोर्स मी टू लव, यानी कि उन्होंने मुझे फोर्स किया हंसने के लिए, तो ये जो फोर्स है ये वर्ब हो जाएगा। तो ये सब होता है हमारा कंसेप्ट टू। चलिए दोस्तों चलते हैं कंसेप्ट थ्री की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन टेल अस व्हाट इज द क्वालिटी द नाउन पोजेस, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें ये बताता है कि एक नाउन किस क्वालिटी को पकड़ा हुआ है। क्वालिटेटिव नाउन टॉक्स अबाउट द ऑब्जेक्ट, और वो जो क्वालिटेटिव नाउन्स होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। देखिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बनते हैं, और प्लूरल कॉमन नाउन भी बोलते हैं। देखिए ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्ट का होता है ऑनेस्टी। अगर हम दा ऑनेस्ट बोलेंगे तो ये सभी वर्ल्ड का सभी लोग ऑनेस्ट लोगों को समझाएगा। ये हम कॉमन नाउन के कंसेप्ट में डिस्कस किए थे। ब्रेव, ब्रेव हो गया एडजेक्टिव, ब्रेवरी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर दा ब्रेव लगा देंगे, यानी कि हमने बोला था कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं, अगर उनके पहले हम दा लगा देंगे तो वो हो जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन। राइट, वो हो जाएगा प्लूरल कॉमन नाउन। सिमिलरली काइंड का काइंडनेस होता है, और दा काइंड का मतलब दुनिया में जो भी सभी काइंड व्यक्ति हैं। एजुकेटेड का एजुकेशन होता है, दा एजुकेटेड का मतलब हो जाएगा दुनिया में जितने भी एजुकेटेड व्यक्ति हैं। रिच का रिचनेस होता है, दा रिच का मतलब होता है दुनिया में जितना जितने सारा रिच व्यक्तियां हैं। ब्लाइंड का ब्लाइंडनेस होता है, और ये दा ब्लाइंड हो गया। डम का डमनेस होता है, और ये दा डम हो गया। ठीक है, तो ये सब होता है। चलते हैं दोस्तों कंसेप्ट फोर की तरफ। देखिए इफ वी एड एस और ई एस विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस और ई एस को एड कर देते हैं, उनका मीनिंग
एंड ग्रामेटिकल क्लास चेंज हो जाएगा। जैसे कि गुड, गुड क्या होता है भाई, गुड गुड एक होता है हमारा एडजेक्टिव, राइट। अगर हम इधर एस लगा दिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा गुड्स का, हो गया हमारा जो भी चीजें उनको गुड्स बोलते हैं, ठीक है। फोर्स, फोर्स का मतलब शक्ति, फोर्सेस का मतलब जो आर्मी को हम फोर्सेस बोलते हैं, तो ये सब हो गया, तो इनका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फिर दोस्तों क्रिकेट का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का खेल होता है, लेकिन क्रिकेट अगर हम इधर एस लगा देंगे तो ये इंसेक्ट को समझाता है। वर्क, वर्क का मतलब क्या, कार्य, और वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब होता है जो साहित्यिक रचना, जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पोएट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, वो बहुत सारे अपना अपना लिखते हैं, बुक लिखते हैं, तो उसको वर्क बोला जाएगा, साहित्यिक रचना को हम वर्क बोलेंगे। मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका, और मैनर्स का मतलब हो जाएगा शिष्टाचार, ठीक है। अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में डिफरेंस क्या होता है, देखिए अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाई लैंग्वेज, लैंग्वेजेस को हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, तो हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ना कि अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो ए टू जेड वो जो बोलते हैं ना उनको अल्फाबेट बोला जाता है, अगर हम अल्फाबेट्स बोलते हैं तो ये लैंग्वेज समझाता है। पेन, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। पेंस का मतलब क्या होता है, सकारात्मक प्रयास जिसको बोलते हैं। स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है, दृश्य, जो सीनरी को स्पेक्टेकल्स बोला जाएगा, और स्पेक्टेकल्स एस लगा देते हैं तो ये सीनरी, ये चश्मा को समझाता है। एयर, सिमिलरली एयर, देखिए एयर होता है हवा, लेकिन एयर्स जो होता है ना, एयर्स का मतलब होता है हमारा दिखावटी व्यवहार, तो उसको हम एयर्स बोलेंगे। अब्यूज, अब्यूज का क्या होगा, एब्यूजेस होगा, एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग जो करते हैं, अब्यूसेस का मतलब होता है बुरा, बुराइयां जो सब होते हैं ना उनको एब्यूसेस बोल जाते हैं। एडवाइस, एडवाइसेस, एडवाइस का मतलब होता है हमारा सलाह, लेकिन एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं, ठीक है। कॉलर, कॉलर का मतलब क्या होता है, रंग, और कलर्स का मतलब होता है रंगे, ठीक है। और ये हाँ ये रंगे होते हैं। वैसे ही दोस्तों क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई, ठीक है, क्वार्टर का मतलब हो जाएगा चौथाई, लेकिन अगर हम क्वार्टर्स का मतलब बोलेंगे आवास, जहाँ पर हम रहते हैं, क्वार्टर्स, आर्मी क्वार्टर्स बोलते हैं ना वो, उसको क्वार्टर्स बोला जाता है। कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, तो रीति रिवाजों को हम कस्टम बोलेंगे, और कस्टम्स क्या हो जाएगा, कस्टम्स हो जाएगा कर, जो कर वसूल करते थे ना, जो अंग्रेज वाले ने जो कर वसूल कर रहे थे जब वो इंडिया को शासन कर रहे थे, उस टाइम वो कर ने लेते थे, उसको कस्टम्स बोला जाता है। इफेक्ट, इफेक्ट्स, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम, ठीक है। और इफेक्ट्स का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति भी होता है और परिणामे भी हो सकता है, और संपत्ति भी हो सकता है, कि दो मीनिंग होते हैं इफेक्ट का। फिजिक एक होता है, फिजिक्स एक होता है। देखिए फिजिक का मतलब क्या होता है, फिजिक का मतलब होता है दवा, इसका मतलब दवा जो मेडिसिन हम कहते हैं उसको फिजिक बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स का मतलब होता है हमारा भौतिक शास्त्र, जो फिजिक्स में जो सब्जेक्ट होता है। रिटर्न और रिटर्न्स, रिटर्न का मतलब हो जाएगा वापसी, कोई वापस आ रहा है तो उसको वापसी बोलेंगे, रिटर्न। रिटर्न्स का मतलब जो लाभ आप उठाते हैं ना, दुकान, आप लेट से आप एक शॉपकीपर हैं और आप अभी सब कुछ इनकम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आपको रिटर्न्स मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। लेटर का लेटर्स हो जाता है, देखिए लेटर का मतलब होता है हमारा अक्षर, ठीक है, पत्र भी बोल सकते हैं लेटर को, लेकिन लेटर्स का मतलब क्या होता है, एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत सारे लेटर्स, एप्लीकेशन, ये हो सकता है। एक और एक मीनिंग होता है पढ़ाई, जो पढ़ाई करते हैं ना हम, विद्या जिसको बोलते हैं, तो उसको लेटर्स भी बोलते हैं। लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, और लाइट्स का मतलब हो जाएगा, लाइट्स का मतलब हो जाएगा प्रकाशित करने वाली वस्तुएं, ठीक है। जैसे कि हम जो जलाते हैं ना उसको लाइट्स बोलेंगे, उसको लाइट नहीं बोलेंगे आज, तो ये आप समझ रहे। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, लाइट्स का मतलब जहां से लाइट निकलता है उसको लाइट्स बोलते हैं। जैसे कि सन एक लाइट्स होगा, हम जो बल्ब लगाते हैं वो लाइट्स होगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिसेस, देखिए प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, और प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है,
व्यवसाय कार्यों को प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ठीक है, जो बिजनेस काम होते हैं उसको उनको प्रैक्टिसेस बोले जाते हैं। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान देना होता है। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? अभिवादन, वेलकम, आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, वेलकम कर रहे हो। रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब क्या हो जाएगा? सम्मान, रिगार्ड का मतलब भी सम्मान होता है, लेकिन रिगार्ड्स का मतलब अभिवादन, रिगार्ड्स का मतलब अभिवादन हो जाएगा। फिर आता है ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का मतलब हो जाएगा वही सम्मान, और ग्रीटिंग्स का मतलब अभिवादन हो जाएगा। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता, ह्यूमैनिटीज का मतलब मानव शास्त्र, ये पढ़ाई होता है, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता और ह्यूमैनिटीज का मतलब मानव शास्त्र। ऑर्डर का सिमिलरली ऑर्डर्स होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रम, जो क्रम में रहते हैं, और ऑर्डर्स जो होता है, ऑर्डर हो जाता है हमारा जो आदेश दिया जा रहा है आपको, उसको ऑर्डर्स बोलते हैं। तो ऐसे ही सिंगुलर प्लूरल करेंगे तो इनका मीनिंग में भी चेंज हो जाएगा। नंबर का हो जाएगा नंबर, नंबर्स, देखिए नंबर का मतलब संख्या होता है, और नंबर्स का मतलब किताबें होते हैं, किताबें, बहुत सारे किताब, उनको हम, सॉरी किताबें नहीं, कविता, कविता को हम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है, और बहुत सारे अक्षर को भी हम नंबर्स बोलते हैं। अब पावर का क्या होता है? पावर्स होता है, पावर का मतलब चूर्ण, पावर्स का मतलब दवा की खुराक, उसको पावर्स बोलते हैं। सिमिलरली प्रीमाइस, प्रीमाइसेस होता है, प्रीमाइस का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव, प्रीमाइसेस का मतलब परिसर, ठीक है। प्रोविजन, प्रोविजन्स होता है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रावधान, प्रोविजन्स का मतलब क्या होता है? खाने पीने का सामान, उसको प्रोविजन्स बोलेंगे। तो ये सब हो जाते हैं, मीनिंग चेंज होता है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अगर हम इनमें एस और ईएस ऐड करते हैं तो इनका फॉर्म ही चेंज, इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इनका क्लास, ग्रामेटिकल क्लास भी चेंज हो जाएगा। दोस्तों अभी चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। वी आर गोइंग टू द मार्केट टू बाय डेज, तो आप तो कुछ सामान खरीदने जा रहे होगे, तो गुड्स होगा, एस लग जाएगा। आई नो द डेज ऑफ इंग्लिश, आई नो द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, या फिर अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, आपको क्या बोला जा रहा है? आपको इंग्लिश बहुत सारा लैंग्वेज पता है, या आपको इंग्लिश का लेटर्स पता है? देखिए अल्फाबेट्स का मतलब यही होता है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस को हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, तो इधर तो हम अल्फाबेट की बात करें, इंग्लिश में, इंग्लिश के अंदर जो है वही तो आप लर्न कर रहे हो ना, उसी उसी को आपको पता है, तो आपको अल्फाबेट पता है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। द डेज ऑफ कालिदास ओ आर पॉपुलर अमंग हिंदी रीडर्स, वर्क या फिर वर्क, वर्क का मतलब कार्य, वर्क्स का मतलब क्या होता है? वर्क्स का मतलब होता है हमारा जो साहित्यिक रचनाएं, तो वर्क्स हो जाएगा इधर राइट आंसर। प्लीज स्टॉप द डेज ऑफ वाटर, प्लीज स्टॉप द एब्यूज और एब्यूजेस, एब्यूज का मतलब क्या होता है? एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग, एब्यूजेस का मतलब होता है बुराइयां, तो क्या आंसर सही होगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा, एब्यूज हो जाएगा इधर, एब्यूज। ही इज सो ब्यूटीफुल सो ही ऑलवेज शोज दैट, तो वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि वो हमेशा क्या दिखाता है? एयर्स होगा इधर, ठीक है, क्या होगा? एयर्स होगा, एयर्स, एयर्स का मतलब क्या होता है? हवाबाजी जो करते हैं ना, एयर्स, उसको एयर्स बोलते हैं, दिखावट व्यवहार जो करते हैं उसको एयर्स बोलते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल हो गया है कि वो दिखावटी व्यवहार कर रहे हैं। देर आर 26 अल्फाबेट्स इन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, फाइंड द एरर, अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट होता है, 26 लेटर बोलेंगे या फिर 26 अल्फाबेट बोलेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेट्स का मतलब हो जाएगा लैंग्वेज, तो इसीलिए एस इधर नहीं लगाएंगे। आई थिंक ये आपको अभी क्लियर हुआ होगा। अभी चलते हैं कंसेप्ट 5 की तरफ। सब्जेक्ट आर नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, बट इफ ए सब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विथ एनी पर्सन प्लेस देन वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब, यानी कि अगर, हाँ, हमारा नॉर्मल नॉर्मल जो सब्जेक्ट होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अगर वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई पर्सन या प्लेस का जुड़ाव होके रहेगा, कहाँ पर, एक सेंटेंस में, पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हाँ ये जो नाउन है ना, ये किसी व्यक्ति या फिर किसी जगह से जुड़ा हुआ है, तो उस टाइम हम प्लूरल वर्ब्स लगाएंगे।
देखिए मैथमेटिक्स इज ए नाइस सब्जेक्ट, हाँ जानते हैं पता है, लेकिन योर मैथमेटिक्स यानी कि एक अभी मैथमेटिक्स को हम किसी के साथ जुड़ रहे हैं, किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो आर हो जाएगा, योर मैथमेटिक्स आर रियली गुड। पॉलिटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यस पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अभी जो पॉलिटिक्स है ना इसको इंडिया एक जगह के साथ जुड़ रहे हैं, तो इधर प्लूरल हो जाएगा, आर रेगुलर आर रियली डिप्रेसिंग। ठीक है, माई फिजिक्स डैश नॉट गुड, तो अभी आपके बारे में बात किया जा रहा है, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो आपसे कनेक्ट किया जा रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो आर इज द राइट आंसर। माई ब्रदर इज डूइंग इंजीनियरिंग एंड माई सिस्टर इज डूइंग मेडिकल, तो करेक्ट द सेंटेंस। तो पहली बात तो ये मेडिकल नहीं होता, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेडिकल्स हो जाएगा। ठीक है सॉरी, मेडिकल्स नहीं होगा, मेडिसिन होगा, इधर हो जाएगा मेडिसिन, डूइंग मेडिसिन, ये याद रखना। मेडिकल एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन मेडिसिन होता है चिकित्सा शास्त्रों को हम मेडिसिन बोलते हैं, आप जो खाते हैं उसको मत समझना वो, हाँ हालांकि वो होता है, लेकिन मेडिसिन का मतलब हम चिकित्सा शास्त्र बोलते हैं। दोस्तों अभी चलते हैं कंसेप्ट 6 की तरफ। देखिए व्हेन एक्शन दैट इज वर्ब प्लस आईएनजी उसको एक्शन बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं हमेशा, जब एक्शन इज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब विद इट। राइटिंग स्टोरीज डैश माई हॉबी, यानी कि स्टोरीज तो आपको नहीं है, राइटिंग यानी कि लिखना, क्या लिखना, स्टोरीज लिखना आपका हॉबी है, इज माई हॉबी। सिंगिंग सॉन्ग्स इज माई जॉब, टीचिंग इंग्लिश इज माई जॉब, स्मोकिंग सिगरेट्स इज इंजरियस टू हेल्थ हेल्थ, सेलिंग बुक्स इज रियली प्रॉफिटेबल, सो इज हो जाएगा। ठीक है अभी चलते हैं कंसेप्ट 7 की तरफ। देखिए कंसेप्ट 7 में क्या लिखा गया है, व्हेन एन एक्शन दैट इज वर्ब प्लस आई एन जी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, देन द नाउन आफ्टर देम इज द सब्जेक्ट एंड वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो रनिंग टाइगर्स, तो इधर आपको पता लगाना है रनिंग टाइगर्स तो कौन किसके लिए यूज हुआ है, तो जेरंड और पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में डिफरेंस तो यही है कि राइटिंग स्टोरीज, राइटिंग स्टोरीज यानी कि किताब स्टोरीज लिखना, ठीक है उसको बोला है, ये हमारा मेन नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, जेरंड का ऑब्जेक्ट होता है, तो इधर मेन नाउन ये था, लेकिन इन सेंटेंस में ये टाइगर्स के बारे में ये बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये रनिंग जेरंड नहीं है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, तो इधर ऐसे होगा, इधर मेन नाउन हमारा ये है सब, तो इनके हिसाब से ही हम नाउन हमारा भाग लगाएंगे, तो टाइगर्स क्या हो जाएगा, रनिंग टाइगर्स लुक लुक हॉरिबल, सिंगिंग बर्ड्स अट्रैक्ट अस अट्रैक्ट हो जाएगा, वर्किंग पीपल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, डांसिंग पिकॉक्स यानी कि बहुत सारे हैं तो पिकॉक्स है, डांसिंग पिकॉक्स इम्प्रेस, ऐसा कुछ होता है। चलिए दोस्तों कंसेप्ट 8 की तरफ चलते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी ए काउंटेबल नाउन, इन दैट केस इट हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक काउंट, ये काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम में उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकल के आ जाएगा। डेथ इज इनएविटेबल, हाँ ये जनरल मीनिंग है, लेकिन ही डाइड ए सेमलेस डेथ, तो इधर एक स्पेसिफिक मीनिंग कैरी कर रहा है, जो डेथ होता है ना वो सेमलेस डेथ के बारे में बताया जा रहा है। लाइफ इज वंडरफुल, हाँ पता है, तो जनरल मीनिंग है, तो इधर ये है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, ठीक है, तो अनकाउंटेबल कैसे होंगे अगर उनका जनरल मीनिंग होगा, काउंटेबल नाउन कैसे होंगे अगर उनका मीनिंग स्पेसिफिक हो जाएगा, कुछ अलग से रिलेट करेंगे, जैसे अभी जॉयफुल लाइफ के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये लाइफ जो है कैसा है, जॉयफुल है, स्पेसिफिक हो गया, तो इधर स्पेसिफिक मीनिंग कैरी करता है, इसीलिए इधर इज लगाए ना, इज लगाए और ए भी लगाए। ड्रीम इज लाइफ, ड्रीम इज लाइफ, ये जनरल मीनिंग हो गया लाइफ का। लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम, तो इधर अभी लाइफ के बारे में बताया, ड्रीम के बारे में इधर बताया जा रहा है, तो ड्रीम पहले में था जनरल मीनिंग, अब एम्प्टी ड्रीम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये स्पेसिफिक मीनिंग कैरी कर रहा है, तो इसीलिए ये काउंटेबल है। ठीक है ये समझ में आया होगा। कंसेप्ट 9 की तरफ चलते हैं। अ
अब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ स्पेसिफिक मीनिंग कैरी इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनका अगर कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल जैसे ए और एन यूज करते हैं अपने साथ. यू नीड ए स्ट्रॉन्ग नॉलेज, यू नीड ए स्ट्रॉन्ग, कैसा नॉलेज, स्ट्रॉन्ग नॉलेज. तो ये जो नॉलेज, नॉलेज दो वर्ड है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, लेकिन ये स्पेसिफिक है, तो इसीलिए हम इसके पहले ए लगा दिए. ऑफ इंग्लिश टू वर्क हियर, ही हैज ए वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो उसका वर्किंग नॉलेज है, लेकिन काम जग के नॉलेज है, ठीक है, वर्किंग नॉलेज यानी कि अच्छा सा नॉलेज है. तो ए लग गया नॉलेज के पास, ये काउंटेबल हो गया, इसीलिए इसके पास ए लग गया नॉलेज, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. लेकिन ही डाइड ए पीसफुल डेथ, तो इधर पीसफुल डेथ, तो डेथ एक स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए ये काउंटेबल हो गया, इसलिए ए लग गया इधर. सी इज लिविंग ए प्रेस्टिजियस लाइफ, तो लाइफ तो बहुत तरीका क्या होता है, प्रेस्टिजियस लाइफ, स्पेसिफिक लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, तो अभी ये सिंगुलर हो जाएगा, ए लगा इधर. यू आर लिविंग ए पेनफुल लाइफ, तो इधर लाइफ के बारे में ही बताया जा रहा है, लेकिन पेनफुल, तो ये स्पेसिफिक लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ए लग गया इधर, काउंटेबल है ये. दिस इज ए बिग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, तो ए बिग प्रॉब्लम हो गया. He has made a big mistake. Mistake तो बनता है, लेकिन big mistake हो गया, तो इसीलिए ये countable noun हो गया, इसलिए a इधर आ गया. तो indefinite article use होते हैं, ये आप याद रखना. Next चलते हैं. Countable जो abstract noun होते हैं उनका specific meaning होता है, लेकिन uncountable abstract noun का general meaning होता है. As usual उसको हम use करते हैं, जैसे कि knowledge is power, ये general meaning है. अगर किसी के बारे में नॉलेज, यू नीड ए स्ट्रॉन्ग नॉलेज, उस टाइम स्पेसिफिक मीनिंग हो गया, इधर जनरल मीनिंग है. लाइफ इज वंडरफुल, इधर जनरल मीनिंग है, ठीक है, लाइफ का. डेथ इज इनएविटेबल, इधर जनरल मीनिंग है, सबको पता है. वेदर इज चेंजेबल, ये भी सबको पता है, तो जनरल मीनिंग है. टाइम वेट्स फॉर नोन, यानी कि टाइम किसी का वेट नहीं करता, तो इधर टाइम जो है वो जनरल मीनिंग है, तो ऐसा कुछ होता है. दोस्तों अभी अप्रोप्रिएट आर्टिकल यूज करते हैं. डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल. डेज क्रिकेट इज ए फनी गेम, तो इधर कुछ भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है, तो क्रिकेट इज ए फनी गेम सिर्फ होगा. डेज क्रिकेट प्लेड बाय इंडियन टीम इज माइंड ब्लोइंग, तो इधर देखिए, तो क्रिकेट ये स्पेसिफिक हो गया, तो स्पेसिफिक जो होता है वहां पर दा लगा देते हैं. द क्रिकेट प्लेड बाय इंडियन टीम इज माइंड ब्लोइंग. द क्रिकेट ऑफ विराट कोहली, तो अभी इधर दा लग जाएगा, क्रिकेट स्पेसिफिक हो गया. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा, लेकिन द ऑनेस्टी ऑफ माई मदर, यानी कि अपने मम्मी के बारे में आप बता रहे हैं, मम्मी का ऑनेस्टी के बारे में बता रहे हैं, तो द लगाएंगे इधर. इज नॉन टू ऑल. कैंसर इज एन इनक्यूरेबल डिजीज, पता है जनरल मीनिंग है, तो इधर आर्टिकल नहीं बैठेगा. डेस कैंसर ऑफ लंग्स इज डेडली, तो कैंसर वो भी लंग्स के बारे में बता रहा है, तो इधर द बन जाएगा. द कैंसर ऑफ लंग्स इज डेडली. सो दोस्तों विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड द टॉपिक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा. अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये सब नोट बना देना, ठीक है. ये सब हम नाउन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, बहुत सारे चीज़ उधर दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है. सो थैंक यू फॉर बींग विथ अस, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू.